ओ भाई कह रहा अभी एक इसके साथ ड्राइव करते हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू। ओ भाई जम्मू को छोरे नहीं मानते लीन्स पे भाई, भाई बंदा बातचीत नहीं मान रहा है यार। बहुत ज्यादा हो गया, आराम से चला यार। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स योर वीके। सो कैसे नहीं होगा, होप सब बढ़िया होंगे। सो आज काफ़ी जल्दी में प्लान बना बाइक राइड का, तो भाई सबसे पहले तो सौगात भाई आगे भागे जा रहे हैं, फाइनली अभी निकल रहे हैं सिटी वाली साइड से। और भाई आज लगता है एक दो बाइक को रो रहे हैं, तो भाई बोल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी निकल तो रहे हैं भाई, देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। ये बंदे ट्रैफिक को खाने को पड़ रहे हैं इनकी, तो भाई बाइक में ज़्यादा एसेसरी नहीं लगी है, लोडेड नहीं है, तो इसलिए आराम से निकाल लेते हैं। परेशानी थोड़ी मेरे को है क्योंकि मेरे को एसेसरीज बचा के चलना पड़ता है। भाई बीच में गाड़ी क्यों लगाते हैं, मेरे को इनकी समझ नहीं आती यार, ये लोगों का दिमाग कैसे चलता है यार। भाई ये बंदा तो फुल फॉर्म में जा रहा है, कसम से कह रहा है भाई, लोगों के रिएक्शन कहता है कि जहर आ रहे हैं आज तो। मेरे को लग रहा है वेदर भी बड़ा खतरनाक सा है भाई आज। भाई आज पुलिस भी आगे आगे जा रही, लगता कोई तो कोई सीन होगा, नाका नुक्का लगेगा तगड़ा वाला। तो भाई अभी हम प्यारी सी जन्नत में आ गए अपनी, यानी कि सिद्रा हाईवे में पहुंचने वाले हैं। और ये बंदा ना भाई ऐसे भाग रहा है आज, पता नहीं ऐसे पीछे कोई लग गया होगा ना, और मेरे को लग रहा है कह रहा है किसी बंदे का वेट करना है, तभी चीज चल रहा है। पर आज बाइकर फिर थोड़े बहुत दिख रहे हैं मेरे को सिद्रा वाली साइड पर, लास्ट टाइम में गया कल भाई मेरे को एक बाइकर नहीं दिखा। आज V3 दो हो गए, डोमिनार अभी एक भी नहीं आया हुआ है यार, एक तो पहुंचे कम से कम। आज सिद्रा में संडे है, जाने का तो भाई रिस्की है संडे राइड, क्योंकि एक्चुअली सुबह से मैंने मारी थी नहीं, सुबह तो मैं फैमिली के साथ था, तो फैमिली के साथ ही शायद एड ऑन कर दूंगा व्लॉग, तो मैंने सुबह से भाई कोई व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैं सुबह से पूरे फैमिली के साथ था, तो आज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि एक ही संडे होता है तो भाई फैमिली के साथ जाना भी जरूरी है। लेकिन भाई साहब आज मेरे को लग रहा है तगड़े वाले नाके लगे होंगे, क्योंकि संडे है, तो संडे को नहीं लगेंगे तो भाई कब लगेंगे, क्योंकि वेदर भी भाई संडे के मुताबिक बड़ा खतरनाक है आज। आए मतलब कि बाइकरों का सही बाहर निकलने वाला दिन है, इतना अच्छा वेदर है यार आज। पर सिद्रा की पुलिस तो भाई तुम्हें पता ही है खतरनाक ही है भाई। लोग यार भाई बड़ा पीछे रह गया, मेरे को कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, और मैं तुम्हारा भाई इतना पीछे है कि क्या ही बोलूँ तुम्हें मैं, और वो मेरे को बोल रहे हैं कि जल्दी आ, मैंने बोला आ गया भैया, तो बस वही जा रहा हूँ, अभी लेट हो गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। अभी कुछ ही देर में हम व्यू पॉइंट तक पहुँचने वाले हैं, व्यू पॉइंट वाला लीन तो तुम्हें पता ही है क्या ही है। फिलहाल तो डर सा लग रहा है यार, टायर में हवा वो भी कम, क्या प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है मेरी बाइक में, वॉइस का तो मेरे को पूरा पूरा चेक कहना भाई आज अच्छी नहीं आ रही होगी, पता है मेरे को। इवन भाई लीन चेक कर रहे हो भाई, यहाँ पे बस यही खराब है। अभी लीन खराब करने के लिए ना यहाँ पे एक ना एक गाड़ी रहती ही रहती है, तो आज ही वही थी। अभी मेरे को सौगात भाई और अभी तक नहीं दिखे यार, कहाँ गए ये बंदे। फाइनली गाइस हियर इज द प्रॉब्लम, तुम देख सकते हो ये रही मेरी ओल्ड मॉडल डोमिनार, और ये रही मेरी नई डोमिनार, यानी कि ये सीना है, अगर ये नई वाली है तो ये पुरानी वाली है भाई, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। जैसे कि तुम देख सकते हो ये भाई ने अभी निकलवाई है थोड़ी देर पहले की, और तुम्हें देख सकते हो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन दिखती है छोटी मोटी, ये सारी पहले की है, और जो इसमें है ना भाई इसमें पूरी कराई गई है, यानी एक से लेकर मैं अगर बात करूँ भाई इसके टॉप रैक की, तो वहाँ भी टॉप रैक कंपनी देती है, बैक रेस्ट की बात करूँ तो बैक रेस्ट भी कंपनी देती है भाई, और क्या ही बात करूँ भाई, हैंड गार्ड वगैरह हो गया, बस एक चीज़ कंपनी नहीं देती है वो है इसके फॉग लैम्प्स वगैरह का, फॉग लैम्प्स वगैरह कंपनी दे दे तो भाई क्या ही भाई। तो भाई कह रहा अभी एक इसके साथ ड्रैग करते हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू, आई डोंट नो भाई कौन सी जीतने वाली है, पर मेरे को जितना लग रहा भाई नई वाली जीत जाएगी, लेकिन तब भी अपनी तरफ से जितनी होती है भाई उतनी कोशिश करेंगे, बाकी और कोई सीन नहीं है भाई। लेकिन ये बंदा ने इतना खज्जल कराया ना कसम से, 2 घंटे से मेरे को खज्जल कराया जा रहा है, पता कितने ढूंढने के बाद ये बंदा मिल रहा है। ये तो वो बात है हम दिखते कभी कभी है, आप बंदे के पीछे पीछे चल रहा हूँ कि मैं कहीं मिस ना हो जाऊँ, आगे चलने पीछे आगे चलने के बावजूद ही धोखा। ये रहा हमारा ओल्ड डोमिनार, तो ये रहा हमारा नया डोमिनार भाई, नए डोमिनार में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, पर जैसे कि आप तुम ग्रे जैसा देखते हो मैंने यहाँ पे रेडी शेड करवा दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है उसमें नहीं है, तो भाई क्लीन शेडेड है पर अच्छा है मेरे हिसाब से, बिल्कुल स्टॉक रखी हुई है बाइक ने। मेरे को लगता है कि जो गार्ड्स इसमें लगे हुए हैं वो भी कंपनी साथ में फिटेड देती है, और आप जैसे कि धूप से सूरज वगैरह देख सकते हो भाई कितना खतरनाक लग रहा है नहीं आज। और अभी यहाँ से वापस चलते हैं, थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और साथ में देखते हैं भाई स्टार्टिंग पिकअप वगैरह किसका है। मेरे हिसाब से तो भाई न्यू डोमिनार का ज़्यादा रहेगा, फिर भी एक बार ही चेक करवाने के लिए तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए भाई, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो है, तो प्लीज़ इसको सीरियस मत लीजिएगा, ना ही मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम भी ऐसे काम करो चेक करने वाले। सो आज देख लेते हैं भाई न्यू वर्सेस ओल्ड का क्या सीन रहता है। भाई ये बंदा तो अभी से स्टार्ट हो गया,
अभी मेरे को बता भी विंड ब्लास्ट आने वाली है, तो भाई विंड ब्लास्ट का थोड़ा कर लेना कॉम्प्रोमाइज, बाकी तो सब ओके है भाई। लेकिन लुक्स में भाई डोमिनार नहीं मानती और ट्रैवल में तो बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर तुम्हें मतलब कि हैवी मतलब तुम्हें ज़्यादा ट्रैवल करना है सबसे लिए बेस्ट, तो भाई डोमिनार बड़ी खतरनाक सी रहती है। नहीं अब जैसे V3 वगैरह में तुम्हें क्या होता है कि भाई तुम्हारी बैग वगैरह पेन करने लग जाती है, कुछ ऐसे चक्कर पड़ते हैं। तुम्हें तो बैग वगैरह कैरी करने काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, तुम सैडल स्ट्रैप वगैरह लगाओ तो भाई काफ़ी मतलब कि ईजी रहता है। तो और अभी हम पहुंच गए हैं नगरोटे की पहाड़ियों वाली साइड, तुम देख सकते हो यहाँ पे क्या ही खतरनाक व्यू है बाबा। तुम अभी हमारे टनल्स आगे आगे तो भाई यहाँ पे तो भाई खतरनाक ही सीन रहता है भाई साहब। क्या ये सीना साउंड करती है यार टनल्स में, टनल में तो ओपी भाई। सभी टनल्स वगैरह तो हमने क्रॉस कर दिया, अब आगे है बाजी आगे की, और आगे मेरे दोस्त सारे चले गए भाई, मैं ही रह गया हूँ पीछे। तो अभी थोड़ा सीधा रोड मिल गया, अभी लगाते हैं एक ड्रैग चेक करते हैं। ओ भाई तुम्हें पता है न्यू वाले का पिकअप कितना गंदा वाला है यार भाई, न्यू वाले काम मान रही है यार। मेरे को लग रहा है मेरा भाई से टूट जाएगा, पर मेरे को लगता है ये भाई स्टार्टिंग पिकअप में ज्यादा है भाई। तो मैं पहले ही बोला था BHP उसकी ज्यादा है, तो वो आगे निकले ही निकलेगी, मेरे को पहले ही पता था, तो इसमें कोई शक नहीं है। सो ज्यादा कुछ नहीं यार, अभी थोड़ी ठंडी ठंडी वाला टाइप फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं मॉर्निंग राइड मार रहा हूँ। और भाई पहाड़ियाँ चारों साइड से हैं, तो भाई ठंड काफी ज्यादा लग रही है यहाँ पे। अभी मेरे को काफी दिन हो गया व्लॉग वगैरह बनाया, तो अभी मैं इतना ज्यादा मतलब कि बोर मैं ला रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रही कि भाई कैसे करूँ, क्या करूँ, क्यों नहीं करूँ। मतलब कि क्या होता है ना कि अगर तुम एक दो महीने गायब रहो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आती है भाई, तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी धीरे धीरे सब हो जाएगा भाई। मैं तभी सोचूं लाइट्स कम क्यों लग रही है भाई, मैंने लाइट्स ऑन की ही नहीं थी भाई। नहीं मानते नहीं मानते जम्मू के छोरे, नहीं मानते लीड्स पे भाई। मैंने देख लिया, वो देख रहे हो भाई, बंदा पाची में नहीं मान रहा यार, सच्ची में लीड पे नहीं मानते बंदे यार। एक तो मेरी लाइट्स यार पता नहीं क्यों ऊपर आ जा रही है, आई थिंक सो कल से ऑफ रोड लिए ना भाई, उसकी वजह से हो रहा सारा सीन भाई। कभी कभी ना स्पीड मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करती है, मैं तुम्हें सच्ची बोल रहा हूँ। और यहाँ पे वही सीन चल रहा है अभी मेरे भाई। सही बाइक चलाते हो यार, यहीं पे आज गए थे काफी देर से कर। हाँ जी हाँ, काफी देर से व्लॉग नहीं बनाया था यार, आज बड़े दिन के बाद बाहर आया हूँ। सो भाई भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो यार ये बंदा मतलब कि मैं इसको बोलना नहीं, लेकिन भाई बड़ी खतरनाक चला रहा था। मतलब कि अगर ये पाची पे इतनी गंदी चला रहा है, इसको दूसरी बाइक मिल जाए तो क्या करेगा भाई। लीन्स पे नहीं मान रहा था, समझ लो हमारी बाइक का थोड़ा बैलेंस है, वैसे वो भी बात है स्किल्स मैटर करती है, पर लेकिन बंदे ने यार मतलब कि स्किल्स मैटर सच में करती है मेरे भाई। तुम्हारे पास बाइक जो मर्जी हो, स्पीड भी मैटर नहीं करती, स्किल्स इतनी मैटर करती है। तो भाई इस बंदे में स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई, मैंने इसके लीन्स से देखे भाई, इतना नहीं लेकिन अपनी इस बाइक में भी इतना हैंडल किया इसने भाई, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ओ ये नेक्स्ट लेवल हो गया यार भाई। इस बंदे को मैंने इसलिए बोला था, ये था ना बोला था कि तेज चलाएगा। ओ भाई अब तो ये ज्यादा हो गया आराम से चला यार। हाँ आराम से चलाओ, बाकी कोई सीन नहीं है यार। अच्छा 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 हाँ जी हाँ, बोल दी मेरी जान। स्टंट भाई जरूरी नहीं है, तेरे पास स्किल्स होंगी ना तभी तू कर सकता है, मैं तो बिल्ली भी नहीं मार सकता। जिसको आते हैं वही कर सकता है, प्रैक्टिस की होगी तभी होगा, ऐसे कुछ ना होगा, ऐसे हलवा नहीं है भाई। कहता मैं स्टंट कर लेता हूँ, आपको स्टंट पॉइंट में दिखाता हूँ, तभी मैंने इसको रोका भाई। सुगात भाई वही बात कर रहा है कि बंदा लीन सेक्सी मार रहा था, मतलब कि इस बाइक पे यार पाची पे यार टायर की प्रोफाइल देख रहे हो भाई इसकी, मतलब कि कितनी आराम से स्किट हो जाती है भाई। लेकिन बंदा तब भी कर रहा था भाई, बड़ी सेक्सी राइड कर रहा था यार, जो मर्जी बोलो।
पर वही मैं भी देना चाहता था कि मेरे चक्कर में कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाए, इसलिए मैंने भाई को बोला थोड़ा कंट्रोल वे में चलाओ यार, इतना कुछ सीन नहीं करना है, राइड करनी है। ओके ब्रो। भाई वही है ना, बंदा गिर गिर के ही सीखता है। बंदा मेरे को कह रहा भाई मैं स्टंट्स नहीं मार सकता, मैं आपको स्टंट पॉइंट पे चेक करा देता हूँ। मैंने बोला भाई तुम मार सकते हो, क्योंकि तुमने भाई प्रैक्टिस किए बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर वो स्टंट की बात कर रहा है तो मैं नहीं चाहता कि भाई, मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो कि वो मार सकते हैं नहीं मार सकते, हो सकते हैं मार सकते हैं। मैंने तो सीधे बोला भाई मैं तो बिल्ली तक नहीं मार सकता, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया। तो बिना ट्राई के ना यार कुछ भी नहीं होता, तो मतलब कि मेहनत लगती है हर चीज़ में भाई, बंदा टूटता भी है। बंदे की बाइक भी मैंने देखी, ऊपर से टैंक टूटा था। अब आई डोंट नो वो कैसे क्रैश हुआ भाई, वो उनको ही पता होगा, किसी की पर्सनल लाइफ में मैं नहीं बोलना चाहूँगा। पर यही है कि अभी जम्मू में ज़्यादा सीन अच्छा नहीं है, तो मैंने नहीं चाहा कि मेरे चक्कर में कोई सीन हो जाए, तो मैंने ज़्यादा भाई को फोर्स नहीं किया कि आप स्टंट वगैरह करो। बाकी इन भाई की बात करो तो भाई भाई गंदी, मतलब कि अपाची में ये बंदा मान नहीं रहा था यार, क्या चीज़ थी, मतलब कि समझ नहीं आ रही थी यार। मतलब क्लोज कॉल इतनी गंदी दे रही थी, हमारे चक्कर में ये नहीं हो सकता, मतलब कि मैं नहीं चाहता था हमारे चक्कर में कोई ऐसा हो जाए, सीन हो जाए तो भाई क्रैश क्रूश वाला सीन हो जाए भाई, मैं इसी चीज़ से डरता हूँ। अभी मैंने उसको तो बोला था भाई तुम राइड अच्छी करते हो भाई, तो अच्छी करता है तो भाई कुछ देख के अच्छी की है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो भाई किसी के साथ टच टूच हो जाएगी, तो भाई मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि तुम ये करो। और साथ में आज तो आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया सोगात भाई को ढूंढने छूंढने के चक्करों में, नहीं तो भाई उधर से भी टाइम हमारा काफ़ी ज़्यादा बचना था। तो तुम्हारा भाई तुम्हारी तरफ मेहनत करता रहेगा भाई, जो हो सके मेरी तरफ से तो भाई मैं अपने बेस्ट दूंगा। बाकी तब भी यार तुम्हारा काम कुछ क्या ही है, तुम्हारा काम यही है भाई सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं भाई, सब्सक्राइब करना है, वीडियोज़ देखनी है भाई की, और क्या ही है भाई, सपोर्ट करो ना यार। छोटे से यूट्यूबर हैं, ज़्यादा नहीं बोलता भाई, थोड़े से अगर थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं तो थोड़ा और भी ऊपर आ सकते हैं भाई, थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी ना ज़्यादा चक्कर नहीं है, जम्मू से बाहर निकलने वाला बात है अभी, अभी यहाँ से ज़्यादा नहीं, अभी ज़्यादा मैं बोलता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपें मारने का सोचूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपें मारनी भी है, तो अब वही सीन रहेगा हमारा थोड़ी देर तक कि ट्रिपें ज़्यादा प्लान करें और ट्रिपें वगैरह मारें। तो सुगात भाई से भी बात हो गया, अनिल भाई भी बोल रहे हैं अब ज़्यादा ट्रिप्स वगैरह मारनी है, तो बस हम उसी का वेट कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सीन बन जाता है तो भाई उसके बाद हम ट्रिप्स मारते हैं, ट्रिप्स का प्लान करते हैं, सुगात भाई से होती है डिस्कशन। तो थोड़ी देर अभी जम्मू में व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, उसके बाद छोटी मोटी एक तो पहले ट्रिप मारेंगे, उसके बाद देखते हैं छोटे से बड़ा बड़ा, मतलब करते करते करोगे तो कुछ होगा ना भाई, नहीं करेंगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा, तो इससे अच्छा पहले कुछ करते हैं, किसी चीज़ से तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो एक्चुअली चक्कर क्या है, मैं रुकने में रुक सकता था लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मैं सुबह से बाहर हूँ यार, अब तो मेरे को घर जाना चाहिए, नहीं तो मेरे को गालियाँ पड़ जाएंगी बड़ी ही जल्दी। ओ ओ हो हो ओ भाई क्या आई बंदे में, हाँ कुछ तो बात है यार। सो फाइनली यार अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं सीधे घर वाली साइड, तो यहीं पे कर देते हैं ब्लॉग को दी एंड। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी लाइक से सब्सक्राइब भी किया, तब तक के लिए टेक केयर, टिल बाय, मिलते हैं अगली प्यारी सी मस्ती वीडियो में, तब तक के लिए भी सेफ। अब द्वार आस पास आ रही बरात।